हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम ऑन टॉपिक स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आज के इस प्यारे से सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो CGL के मेंस में पूछा गया है और मैक्सिमम लोगों का वो गलत हुआ था। तो देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था और उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए था। टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। तो देखेंगे कि उस क्वेश्चन को, उस बर्निंग क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, और जो कि 90% लोगों ने गलत किया था। आगे बढ़ने से पहले स्पेशल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। स्पेशल इंफॉर्मेशन ये है कि SBI क्लर्क की 8000 से ज्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं भाई, ठीक है। और उनको आपको कितनी वैकेंसी चाहिए, आपके लिए तो एक ही वैकेंसी होनी चाहिए, दैट मींस एक ही सीट होनी चाहिए। तो क्लर्क की वैकेंसी आई है 8000 प्लस, ठीक है। तो उस अनअकैडमी प्लस पर एक बैच हमने बनाया है जो कंप्लीट बैच होगा मैथ के लिए, जिसमें हाई लेवल कंटेंट, अपडेटेड क्वेश्चंस, उसके साथ साथ डाउट सेशन भी वहां पर रखा जाएगा। तो आपको कोड याद रखना है, कोड होगा आपका Study10 प्लस के लिए, ठीक है, Study10, और उसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। चले चलते हैं हम अपने उस क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मर्चेंट कैन बाय गुड्स एट रेट ऑफ 20 पर गुड। एक जो व्यापारी है वो 20 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से वस्तु खरीदता है। द पर्टिकुलर गुड इज पार्ट ऑफ ओवरऑल कलेक्शन एंड द वैल्यू इज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ आइटम्स दैट दे आर ऑलरेडी, ठीक है। बस इतनी सी बात कह रहा है कि जो उन वस्तुओं का मूल्य संख्या से जुड़ा हुआ है, उन वस्तुओं का जो मूल्य है ना, वो उस वस्तुओं की संख्या से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या बोला उसने कि पहली वस्तु को वो 2 रुपए का बेचता है, पहली वस्तु को 2 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। पहली वस्तु को 2 रुपए में बेच रहा है। यहां पर बस इतना आपको कर लेना है कि पहली वस्तु को वो 2 रुपए में बेच रहा है, ठीक। और दूसरी वस्तु को कितने में बेच रहा है, दूसरी वस्तु को वो बेच रहा है 4 रुपए में। कितने में बेचा उसने दूसरी वस्तु को, 4 रुपए में। पहली को 2 में, दूसरी को 4 में, और तीसरी वस्तु को 6 रुपए में बेच रहा है। और फाइनली ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 40% का हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 40%, ऐसा बोला गया है। तो उससे पूछा गया है कि बेचे जाने वाली मिनिमम वस्तुएं क्या हैं, मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स क्या है, ये पूछा गया है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें किया क्या था एग्जामिनर ने कि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिया था। तो चलो देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को या इस तरीके के क्वेश्चन को करा जाता है। ओके, अब देखो यार, कल वाले जो ब्लैक मैजिक था ना, जो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, उसमें एक एरर थी कि 11-7 को 5 कंसीडर कर दिया गया था, 5 लिख दिया गया था, तो वो पूरा गलत था, ठीक है। तो इसलिए वहां से हटा दिया, उस पर मैं और नई आप लोगों को वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन की उसमें एरर थी, तो इसलिए भाई सॉरी, ठीक है, गलत चीज़ आपके सामने नहीं जाएगी। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि कोई अगर मिस्टेक हो गई है तो वो वहाँ से। चलो देखो, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से वस्तुएं खरीदता। अब यही तो फाइंड करना है कि यार कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ गुड्स उसने n खरीदे थे, कितने खरीदी थी, n वस्तुएं खरीदी थी, और 20 रुपये के हिसाब से अगर खरीदी हैं तो एक वस्तु 20 रुपये की है, तो n वस्तुएं कितने रुपये की हो जाएंगी, 20 रुपये के हिसाब से 20n, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20n। ये क्या मिल गया हमें, CP मिला। क्या मिला, ये CP, ठीक है, ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। उसके बाद ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का। यहां से बस इतनी सी बात समझनी थी, ओवरऑल 40% का प्रॉफिट। तो अगर 20n में खरीदा है तो 20n का 40% कितना हो जाएगा, वो बनेगा सेलिंग प्राइस। तो 20 का 40% 8n का प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसका मतलब है 28n में बेचा गया होगा। टोटल कितने में बेचा गया होगा, 28n में बेचा गया होगा, ठीक है, 28n में। पहले वस्तु को 2 रुपए का बेच रहा है, दूसरी वस्तु को 4 रुपए का। देखो, पहली 2 में, दूसरी 4 में, तीसरी 6 में, चौथी वस्तु 8 रुपए में। ऐसी वस्तुएं कितनी खरीदी थी, n। लेट, ये हमने पहले मान लिया, लेट द नंबर ऑफ गुड्स बी n। तो जो n, जब पहली 2 रुपए में, दूसरी 4 में, तीसरी 6 में, चौथी 8 में, तो इसी तरीके से जो nवां आर्टिकल होगा, nth नंबर का आर्टिकल होगा, तो हर एक डबल होता चला जा रहा है, तो nth वाला आर्टिकल कितने बेचा होगा, 2n में बेचा होगा। और टोटल जब सेलिंग प्राइस का टोटल ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 28n के इक्वल आना चाहिए। अब यहां से 2 ले लो कॉमन, तो ये कितना बचेगा, 1+2+3+4 और अप टू n बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 28n।
अब ये बताओ कि ये 1+2+3+4 ये क्या मिल गया हमें, एंड एन प्लस 1/2 मिला ही नहीं मिला, जल्दी से बताओ, एक से लेके एन तक के नेचुरल नंबर्स का योग मिला ही नहीं मिला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एन प्लस 1/2 आ जाएगी, तो ये मिलेगा हमें एन एन प्लस 1/2 इसकी वैल्यू, और 2 यहीं पर है तो इससे 2 से 2 क्लियर, और इक्वल्स टू 28n, n से n क्लियर, और यहां से पता चला कि n की वैल्यू आ गई 27, n की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई, पास समझ में आ रही है, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27, तो पता चला कि नंबर ऑफ गुड्स कितने थे 27, 27 वस्तुएं थी जिनको उस आदमी ने खरीदा होगा और 27 वस्तुओं को इस हिसाब से बेचा होगा, बात समझ में आ रही है, तभी 40% का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो 90% लोगों का गलत हुआ था, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको अब एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये कैसा लगा सेशन कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर नई धमाकेदार ट्रिक्स के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखो एक चीज़ और, अनअकैडमी प्लस पर आप जितने भी कोर्सेज सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे वो SSC, CHSL, CGL, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी किसी का भी है, तो आपको कोड यूज़ करना है BABA10। क्या कोड यूज़ करना है? BABA10। ट्रिक्स के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन और क्वेश्चन को करने का सिंपली तरीका आपको कैसा लगा। नए क्वेश्चंस के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए एंजॉय करिए, थैंक यू।